गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 यूनिट 9 एक्सरसाइज 9.1। तो इस 9.1 में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं वो वेरिएबल से रिलेट करेंगे। तो हमारे पास वेरिएबल्स रहते हैं, जैसे वेरिएबल्स हो गए एक्स वाई जेड ए बी सी। तो ए से लेके टू जेड, जो भी जेड तक अल्फाबेट्स आएंगे वो सारे के सारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। मैक्सिमम टाइम में ए बी सी एक्स वाई जेड डब्ल्यू यही लिखते हैं। मैक्सिमम हरेक क्वेश्चन में हरेक पार्ट में यही वेरिएबल्स दिखेंगे सबको। तो हमारे पास तीन टर्म्स आ जाते हैं, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। नाम से ही पता लग रहा है, मोनो एक, बाई दो, ट्राई तीन। तो मोनो में जैसे एक वेरिएबल होगा 4x, बाई में दो 4x प्लस 2y, ट्राई में तीन हो सकते हैं, z भी लगाते हैं, तो ट्राइनोमियल होगा। अभी हम सिंपल क्वेश्चन पढ़ेंगे कॉफिशियंट से रिलेटेड। तो कॉफिशियंट होता क्या है, जो भी वेरिएबल के साथ लगता है। बोलने का मतलब, अगर मैं बोलूं कि x के कॉफिशियंट क्या है यहाँ पे, तो 4 इज अ कॉफिशियंट ऑफ x, यहाँ पे 4 एंड 2, यहाँ पे 4 2 2। तो ऐसा ही हमारे पास 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन रहता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है, वो क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है टर्म्स कॉफिशियंट एंड वेरिएबल। तो हमारे पास क्वेश्चन है 5x y z स्क्वायर माइनस 3zy। तो इसमें हमें टर्म बताना है, पहले टर्म क्या है, कितने टर्म्स हैं, ठीक है, उसके बाद कॉफिशियंट बताना है और कांस्टेंट क्या रहता है हमारे पास। तो हम पहले टर्म लिख लेते हैं, कॉफिशियंट लिखेंगे, कॉफिशियंट ऑफ तो हमारे पास इसमें कॉफिशियंट आ गए एक्स वाई जेड, जेड का स्क्वायर कॉफिशियंट आता है इसका 5, इसका माइनस 3। हमारे पास ऐसा ही क्वेश्चन जो नेक्स्ट रहता है, वो क्वेश्चन यही राइट कर रहा हूं, हमारे पास है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम सिंपली इस क्वेश्चन में भी अब कॉफिशियंट ही राइट करेंगे। तो हमारे पास कॉफिशियंट ऑफ टर्म फर्स्ट ऑफ ऑल आती है एक्स स्क्वायर का 1, एक्स का भी 1, ये कांस्टेंट टर्म है। तो इसके लिए कांस्टेंट टर्म हमारे पास 1 रहता है, कांस्टेंट टर्म क्या रहेगा 1। इसके आगे अभी 3 और 4 पार्ट्स रहते हैं, तो उन 3 पार्ट्स को मैं राइट कर रहा हूं, आप सब लोग करने हैं। हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और फोर्थ पार्ट है 3pq qr एंड rp, एंड फिफ्थ पार्ट है x अपॉन 2 y अपॉन 2 माइनस एक्स वाई। लास्ट जो 6 पार्ट रहता है वो है 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5। तो जो क्वेश्चंस रहते हैं हमारे पास, अब हम सिंपली सॉल्व करेंगे। जैसे हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट लिखने हैं, तो यहाँ 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का माइनस 4 जेड स्क्वायर का 1, यहाँ पे कॉन्स्टेंट 3 है, पी क्यू का कोएफिशिएंट माइनस 1, क्यू आर का 1, आर पी का माइनस 1। वैसे ही ये दो क्वेश्चन हैं, ये सब लोग सॉल्व करेंगे, ये होमवर्क रहता है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।